शिखा श्रीवास्तव, स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ नवरत्न पुलाव। बहुत ही इजी है इसको बनाना। घर में कोई भी गेस्ट आए या फिर आपका कभी जल्दी खाने का मन करे तो आप इसको जल्दी से बना के खा सकते हैं। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नवरत्न पुलाव। नवरत्न पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ देसी घी। 3 से 4 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1 टेबल स्पून ली है मैंने किशमिश। 1/2 टी स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है। 12 से 15 काजू लिए हैं मैंने। 100 ग्राम लिया है पनीर, एकदम फ्रेश है ये। फ्रोज़न मटर मैंने 100 ग्राम्स ली है। इसकी आप वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि मटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं। 1 कप मैंने चावल लिए थे और इनको मैंने 10 मिनट भिगो के इनको पका लिया है। और 1/2 टी स्पून इसमें नमक डाल दिया था पकाते टाइम। साबुत मसालों में मैंने जावित्री का एक टुकड़ा लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 लौंग ली हैं, 1 टी स्पून मैंने लिया है जीरा, 1/2 मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ली है जिसको ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया, 1/2 मीडियम साइज़ की मैंने फूल गोभी ली है इसको भी ऐसे मीडियम साइज़ में काट लिया है और अच्छे से धो लिया है इन दोनों सब्जियों को। सब्जियों को फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल देती हूँ ये काजू और किशमिश भी डाल देंगे साथ में। इन दोनों चीज़ों को हमें हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट हो गए, किशमिश और काजू अच्छे से भून गए हैं तो इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। काजू और किशमिश के बाद ये पनीर है, इसको भी हम डाल देंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे पनीर को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। पनीर भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ उसी प्लेट में। गोभी और गाजर भी एक साथ फ्राई कर लेंगे। मेरे पास जितनी अवेलेबल थी सब्जियां मैंने सारी ले ली। आप और भी डाल सकते हैं इसमें सब्जियां जो भी अवेलेबल हो आपके पास। तो इनको भी मैं 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये सब्जियों को हम इसलिए फ्राई करते हैं क्योंकि ये जो चावल है हमारे ऑलरेडी हमने पका के रखे हुए हैं, चावल पके हुए हैं और सब्जियाँ हमारी कच्ची हैं तो इसलिए ये सब्जियाँ भी हमारी अच्छी तरह से पक जाएंगी ऑयल में। और 4 मिनट हो गए, गाजर और ये गोभी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई तो इनको भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब गैस ऑन कर दी मैंने, कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। इसमें देसी घी डाल देती हूँ मैं। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देती हूँ जीरा, लौंग भी डाल देंगे, ये साबुत मसाले जितने भी हैं सब डाल देती हूँ, ये दालचीनी, जावित्री। और मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए तो गैस को बिल्कुल सिम कर देते हैं और इसमें डाल देती हूँ ये मटर। मटर को 1 मिनट के लिए भून लेंगे हम क्योंकि ये फ्रोज़न मटर है, जल्दी पक जाती है तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए ही हम भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, 2 मिनट हो चुके, गोभी और गाजर जो फ्राई की थी हमने, पनीर और ये काजू और किशमिश डाल देते हैं, थोड़े से बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। हम 2 से 3 मिनट तक सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हमने चावल को बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था। नमक डालने के बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना कोई बात नहीं। एक बार मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे ही आप लोग भी बनाएं। एकदम फुल गैस पे ये सब्जियाँ जो हैं जल जाएंगी इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे हम। और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है सब्जियाँ तो ये जो हमारे पके हुए चावल हैं जो ऑलरेडी बना के रखे थे ये डाल देंगे हम। और चावल डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे चावल के साथ सारी चीज़ों को।
चावल में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली मैंने और 3 से 4 मिनट तक मैंने इनको कंटिन्यू भून लिया है। अब मैंने गैस को बिल्कुल सिम कर दिया और बिल्कुल सिम गैस पे इसको मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। गैस को ऑफ कर देंगे हम। 5 मिनट के बाद मैं कवर हटा देती हूँ और ये जो है हमारा नवरत्न पुलाव रेडी हो चुका है, तो हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। नवरत्न पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। तो देखा आपने कितना इजी है नवरत्न पुलाव को घर पे बनाना, तो आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बना है। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।